इजी है, एक बार ही गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज समझ आ गया, तो ये सब एक जैसे ही है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स और गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, जर्नल एंट्री क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो एंट्री क्या होती है? चैरिटी डेबिटेड टू परचेजेस, चैरिटी डेबिटेड टू परचेजेस। अब क्या ट्रीटमेंट होगी मेरे बिना बताए? आप बताएं आपके हिसाब से क्या करेंगे अगर गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स दे रखे हैं 10,000 के, तो क्या करें? करेक्ट, परचेजेस में से माइनस कर देंगे। और एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस नया आ गया, ड्रॉइंग्स पर्सनल एक्सपेंस था, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस एक्सपेंस है या पर्सनल एक्सपेंस? बिजनेस एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट? करेक्ट। तो फिर बता दिया सब कुछ आपको, अब बताओ कहाँ जाएगा फिर वो? करेक्ट, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे दिखा देंगे एडवर्टाइजमेंट 10,000। तो परचेजेस में से माइनस हो गया एडवर्टाइजमेंट, अगर ऑलरेडी कुछ और भी खर्चा है तो उसमें ऐड हो जाएगा, नहीं है तो ये आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? सेम फॉर चैरिटी, चैरिटी है तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा चैरिटी और परचेजेस में से माइनस हो जाएगा। इजी, क्लियर? परचेजेस दे रखे हैं 5 लाख, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स टू परचेजेस। परचेजेस कितनी है? 5 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट, प्लीज डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ओके, तो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी माइनस कर देंगे, गुड्स गिवन एज चैरिटी कितना? 50,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स कितना? 10,000। 440, तो एडवर्टाइजमेंट अलग से दिखा देंगे। कितना? 10,000 और चैरिटी अलग से दिखा देंगे। कितना? 50,000। क्लियर? कोई भी डाउट? इजी है, इजी रहने देना। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स।